हेलो फ्रेंड्स, आशूस कुकिंग मैजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत नई और स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी का नाम है मसाला पनीर। वैसे तो नॉर्मल पनीर बनता है जो प्लेन पनीर होता है, लेकिन मैंने पनीर बनाते वक्त इसमें कुछ मसाले डाले हैं, उससे ये पनीर कुछ स्पेशल बना है और इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। जो कि लोग प्लेन पनीर नहीं खा पाते हैं, वो ये पनीर बहुत मन से खाएंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इस स्पेशल रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 3 लीटर फुल क्रीम दूध का मैं पनीर बनाने जा रही हूँ। फुल क्रीम दूध का पनीर बहुत अच्छा बनता है और आपको जितना पनीर बनाना हो आप उस हिसाब से दूध लीजिएगा, ठीक है। और इसको हम लगातार मीडियम फ्लेम पे ऐसे चलाते हुए दूध को उबालेंगे। और दूध चूँकि मेरे भगोने के ऊपर तक है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं देर तक उबालूँगी, वरना दूध हमारा जो है ये ऊपर उबल के नीचे गिर जाएगा। तो आप देख सकते हैं दूध यहाँ पे लगभग उबलने वाला है, आप देख सकते हैं इसमें उबाल आनी शुरू हो गई है। तो मैं अपनी गैस की फ्लेम को अब यहाँ पे बंद कर देती हूँ और इसको 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा ठंडा करके पनीर फाड़ूंगी, क्योंकि गर्म दूध में अगर आप पनीर बनाएंगे तो पनीर बहुत हार्ड बनता है, कड़ा सा बनता है। अगर आप थोड़ा सा ठंडा करके बनाते हैं तो पनीर सॉफ्ट बनता है। तो अब मैं इसमें कुछ कुछ मसाले मिलाती हूँ। मैंने सबसे पहले हरी धनिया कटी हुई डाली है इसमें, कसूरी मेथी डाला है मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब, जीरा 1/2 चम्मच के करीब देखिए, और लाल मिर्च कुटी हुई थोड़ी सी, और काली मिर्च मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब। आपको जो भी मसाले पसंद हो आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप कोई भी मसाले मिला सकते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें नमक मिला दिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से दूध में मिला लेंगे इस तरह से। अब मिलाने के बाद हम इसको पनीर बनाएंगे। पनीर बनाने के लिए मैं यहाँ पे वाइट विनेगर यूज़ कर रही हूँ। विनेगर मैंने 4 चम्मच लिया है और 4 चम्मच मैंने उसमें पानी मिलाया है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पनीर में विनेगर डालेंगे। इकट्ठे हम सारा नहीं डालेंगे, जहाँ हमको लगेगा कि दूध फट गया है या फटना स्टार्ट हो गया है तो हम विनेगर डालना बंद कर देंगे। दूध को फाड़ने के लिए आप नींबू को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वाइट विनेगर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए स्टार्ट हो गया है दूध फटना, तो देखिए अच्छे से दूध फट गया है और पानी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया, हरे रंग का हो गया। तो चलिए अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। मैंने एक बर्तन लिया है, उसके ऊपर ये जाली रखी है और इसके ऊपर मैं ये सूती कपड़ा रख रही हूँ। और अब मैं सारा जो दूध फटा हुआ दूध है वो उसको हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने सारा जो है दूध जो है इसमें डाल दिया। और ये अब इसको हम थोड़े से पानी से, सादे पानी से वॉश कर देंगे, जिससे विनेगर का खट्टापन निकल जाए। और इसके बाद हम इसको अच्छे से हाथ से दबा दबा के इसका एक्स्ट्रा पानी निकालेंगे इस तरह से। आपसे जितना आसानी से निकल जाए निकाल लीजिए। और इस तरह से हम इसको निचोड़ लेंगे। और ये पानी आप फेंकिएगा नहीं, इस पानी को आप सब्जी में और किसी दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक थाली ली है, इसके ऊपर मैं ये भगोना उलट के रख दे रही हूँ और इसको मैं एक बार और अच्छे से निचोड़ लेती हूँ। निचोड़ने के बाद हम इसको सेट करने के लिए इस भगोने के ऊपर रखेंगे। तो हम कपड़े से इसको अच्छे से रैप कर देते हैं। आपको जो भी शेप में पनीर के वो क्यूब्स चाहिए, आप जिस तरह से भी आप बनाना चाहते हैं पनीर को, आप उस तरह के शेप में उसको बांध सकते हैं। मैं नॉर्मल इसको ऐसे ही लपेट के इस पे रख दे रही हूँ पलट के। तो बस इस तरह से अब हम इसके ऊपर भारी सा कोई सामान रख देंगे। मैं यहाँ पे रोटी बेलने का जो चकला होता है उसको रख दे रही हूँ, क्योंकि ये पत्थर का है, बहुत भारी है। इस तरह से धीरे धीरे करके इसमें से सारा जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाएगा। मैं इसको लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। अब 1 घंटे के बाद हम ये चकला हटाएंगे और इसको हम देखेंगे पनीर को ये कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं कि पनीर जो है बहुत अच्छे से सेट हो गया है इसमें। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए कितना बढ़िया पनीर बना है ना। तो अब मैं इसका आपको पीस काट के दिखाती हूँ कि कटने के बाद ये कितना सॉफ्ट है। ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये घर में बना हुआ पनीर है। मैं इसके पीसेस कर देती हूँ, आप इस तरह से इसको काट के देखिए
कितना अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे ये हमारा मसाला पनीर बन के बिल्कुल रेडी हो गया। इसको आप हल्का सा घी में तवे पे फ्राई करके स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, या फिर आप इसको प्लेन भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और इसकी आप सब्जी भी बना सकते हैं। सब्जी बनाएंगे तो जो पनीर सादा लगता है खाने में, आपको इसमें आपको थोड़ा सा मसाले का टेस्ट आएगा। तो चलिए ये रेसिपी आप भी बनाइएगा और बनाने के बाद अपना एक्सपीरियंस मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि कैसी बनी, अच्छी बनी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।